और अभी आपको हम खबर दें, पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत। NA 127 में बिलावल की हिमायत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खत का मतन है ये, और पंजाब पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों के बायस दहशत का माहौल है। खत में ये भी लिखा गया है और शहबाज और शहजाद के पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा फातिमा शहराज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा शहराज़ी, मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमीशन को आज खत लिखा है और उस खत में लिखा ये है कि रोज की कंपेन जो की जा रही है इलेक्शन के हवाले से, उसमें रोज ब रोज जो है वो इनके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की काउंसलर खालदा परवीन को भी पीपी की हमायत करने पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस से रابطہ करने पर पता चला कि इन्हें 4 माह पुरानी FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। मतलब जो FIR 4 माह पहले दर्ज की गई थी उसके पेश नजर अब गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जुल्फकार बदर कारकुनों की रिहाई के लिए आला अफसरान से उन्होंने रابطہ भी किया है, लेकिन किसी भी किस्म की उनकी जो है वो दाद रस्सी नहीं की गई। और फाइनली उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उन्होंने मजीद ये कहा है कि हमें खदशा है कि अगर पुलिस को ना रोका गया तो इसी तरह फासिस्ट हथकंडों में मजीद इजाफा होता रहेगा। ACP दरख्वास्त है ये है कि मजकूरा अफराद की रिहाई का हुक्म भी दें और जिम्मेदारियों के खिलाफ जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके जो खिलाफ है सख्त कार्रवाई भी की जाए। जी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पीपल्स पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है। फातिमा शहराज़ी हमें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर पहुंच